ठाठा मारदे इकट्ठ च कीता ऐलान, भाजपा की सरकार मुड़ केंद्र च आउण दी आस नहीं। कुमारी मायावती नवांशहर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी सूबा पद्धरी रैली नवांशहर के विशाल मैदान च हुई अते नीले झंडे ते विशाल होल्डिंग नाल सजिया रैली का मैदान दिल खिचमा सी। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के 13 उम्मीदवार अते हिमाचल प्रदेश के 4 अते चंडीगढ़ का 1 उम्मीदवार मंच के उत्ते हाजिर सन, जिन्हां लई कुमारी मायावती ने वोट पाउण दी अपील की। पंजाब खेती प्रधान देश है, ये विचार भैन कुमारी मायावती ने प्रगटावे किए अते कहा है कि लेकिन पंजाब हरियाणा ते राजस्थान के किसान अंदोलन कर रहे हैं, जिस नाल आर्थिकता भी प्रभावित हो रही है। अते बसपा ने अपने चारों सरकार के कार्यकाल दौरान किसानों नू फसलों के ढुकवें मुल दिते ते खेती के साधन भी मुहैया करवाए हैं। अते नाल ही उन्होंने कहा है कि अपनिया 4 वार की सरकार दौरान बसपा ने पिछड़िया श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों नू नौकरी भी दिती है अते प्राइवेट खेतरां दे विच दलतां पिछड़े वर्गों का रख रखाव भी किया है। अते इस मौके दीआं सरकारां ने सरकारी कर्मचारियों दीआं तरक्कियां लई रख रखाव नू प्रभावहीण कर दिता है। अते नाल ही उन्होंने ये भी दोष लगाए हैं कि चोणां नू प्रभावित करन लई भाजपा ते कांग्रेस कई तरह के एजेंडे वरत रही है अते अपने हक विच हवा बनाउण लई वड्डे पद्धर ते ओपीनियन पोल ते मीडिया दा दुरउपयोग भी किया जा रहा है। अते नाल ही उन्होंने कहा कि जदों की बसपा पार्टी ने जदों भी 4 वारी सरकार बनाई है अज तक भी कोई भी कदे भी उन्होंने चोण घोषणा पत्र नहीं जारी किया है, सगों बसपा घोषणा करन दी जगह आम लोगों की तरक्की ते विकास दीआं नीतियां नू जमीनी हकीकत विच बदलन लई काम करती है। अते नाल ही उन्होंने कहा कि जदों की बहुजन समाज पार्टी ने गरीब बेघरियां लई कंशी राम साहिब आवास योजना बना के बहुत सारे घर भी दिते हन। इस मौके बहुजन समाज पार्टी के पंजाब चंडीगढ़ के इंचार्ज रणधीर सिंह बैनीवाल अते विपुल कुमार, सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी, विधायक डॉक्टर नछत्र पाल, अजीत सिंह भैणी, परवीन बंगा अते गुरलाल सैला, ठेकेदार रजिंदर सिंह, सरबजीत जाफरपुर, दिलवाग चंद मेहंदीपुर, राजा रजिंदर सिंह अते आनंदपुर साहब तो उम्मीदवार सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, हुशियारपुर तो उम्मीदवार एडवोकेट रणजीत कुमार, जलंधर तो उम्मीदवार एडवोकेट बलविंदर कुमार अते गुरदासपुर तो इंजीनियर राजकुमार अते लुधियाणा तो दविंदर सिंह पनेसर अते फतेहगढ़ तो कुलवंत सिंह महतो अते पटियाला तो जगजीत सिंह अते संगरूर तो मक्खण सिंह, फरीदकोट तो गुरबख्श सिंह चौहान अते बठिंडे तो निका सिंह, लखवीर सिंह अते फिरोजपुर तो सुरेंद्र कंबोज अते खंडूर साहिब तो सतनाम सिंह अते अमृतसर तो विशाल सिंधु अते चंडीगढ़ तो डॉक्टर रीतु सिंह आदि हाजिर सन। इस तो अलावा कई बसपा के जुझारू आगू पम्मा MC बलाचौर अते तहसील बलाचौर प्रधान जसवीर ओलिया पर हरवंश बलाचौर आदि तो अलावा कई तरह के जुझारू आगू अते NRI वीर असलेश कुमार भी विशेष तौर पर हाजिर सन। बुलंद करिए अपनी आवाज, जय भीम, जय भीम, जीतूगा मैं, जीतूगा, जीतूगा मैं, जीतूगा। BSP के वास्ते, BSP के वास्ते भैन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। एक सुर दे विच आवाज आवे, भैन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, भैन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो। हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री राशन आदि दिया जा रहा है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि केंद्र की सरकार पिछले कुछ समय से इस देश के गरीब लोगों को जो मुफ्त में थोड़ा सा राशन आदि देती है तो उसके एवज में करती क्या कि जब छोटा चुनाव हो कोई या बड़ा चुनाव हो तो इसके एवज
समझ में फिर बीजेपी आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर शहरों के बस्तियों में जाकर उन गरीब लोगों को ये कहते हैं कि बीजेपी वे आरएसएस ने केंद्र की सरकार ने आपको फ्री में राशन उपलब्ध कराया है इसके बदले में तो आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ बीजेपी आरएसएस की देन नहीं है, ये केंद्र की सरकार की देन नहीं है, बल्कि इस देश की देश में की जनता जो केंद्र की सरकार के पास टैक्स के जरिए पैसा देती है, जमा कराती है और टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे से आपको मुफ्त में राशन दिया जाता है, ये बीजेपी की देन नहीं है, आरएसएस की देन नहीं है।